बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा, उसका चैप्टर नंबर 6, उसकी एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बेटा। इस पहले क्वेश्चन के दो पार्ट हैं आपके पास। फर्स्ट वाले में बेटा ये डाटा दिया हुआ है और सेकेंड वाले में ये दिया है। दोनों में आपने क्या करना है बेटा, एच सी एफ यानी हाई कॉमन फैक्टर आपने फाइंड करना है। आधे आजम जो है वो आपने बेटा निकालना है। इंग्लिश में उसको एच सी एफ कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं बेटा, आपने क्या फाइंड करना है, एच सी एफ हाई कॉमन फैक्टर, या इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, आधे आजम बोलते हैं। ये हमने बेटा फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे देखें ज़रा। यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट वाली वैल्यू है बेटा, इसको हमने लिखना है। आपके पास है 39x^7, y^3 और z^1 है, उसको वैसे लिख दिया। अब बेटा इसका जो ये जो 39 है, इसकी आपने कर लेनी है तजी। 39 की तजी कैसे की जाएगी बेटा, इस तरह आपने 39 को लिखना है और इसको बेटा 3 से करेंगे तो 1, और फिर इसको 3 से करेंगे तो 3, और आगे ये बेटा 13 से होगा तो 1। इसका मतलब इसके दो फैक्टर आ गए, एक 3 है और एक 13 है। तो इसकी जगह 3 × 13, 3 को 13 से यानी 3 को 13 से करें तो 39 आता है। उसके बाद बेटा 7x^7 है, y^3 है और z^1 है, कुछ ना हो तो 1 होगी। ये आपने लिख लिया। अब इसको भी बेटा इसी तरह से लिखना है। इसमें आपके पास क्या है, 91x^5, y^6 और z^7। अब बेटा ये जो 91 है, इसकी भी आपने उसी तरह से तजी कर लेनी है। इसको अगर हम बेटा 7 से करें तो कितना आएगा, यहाँ पे 1, 2 और ये 3, तो इसके बाद 13, 1, ये बेटा इसका 7 और 13 आ जाएगा। तो इसकी जगह 7 × 13 और 7x^5, y^6 और z^7। अब आपने बेटा फाइंड क्या करना था, एच सी एफ वो लिखने हैं, यानी आधे आजम यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है। उर्दू मीडियम वालों ने आधे आजम लिख लेना है, इंग्लिश वालों ने क्या लिख लेना है, ए सी एफ। और बेटा यहाँ पे कौन सी वैल्यू आनी है, ये जो इसका पहले वाले की तजी करके आया है और ये सेकंड वाले का, दोनों वैल्यूज़ को आपने तजी करके लिख लिया है, इसको भी और इसको भी। इसमें देखें बेटा कौन सी वैल्यू सेम आ रही हैं, इधर 13 है और इधर कितना है आपके पास, 13, तो ये 13 आ जाएगा जो कॉमन वैल्यू है। ए सी एफ का मतलब है हाई कॉमन फैक्टर, जो दोनों में सेम होंगी, कॉमन होंगी। तो 13 इधर भी है इधर भी है, वो लिख लिया। ना ये 3 आएगा ना ये 7, क्योंकि 7 इसमें नहीं है और 3 ये वाला जो है वो इसमें नहीं है। उसके बाद ये x^7 है और ये x^5 है, जो छोटे वाली है बेटा एच सी एफ में, आपने छोटे वाली लेनी है, आधे आजम वाली। ये 7 है और ये 5 है, तो हम 5 वाली पावर लेंगे बेटा। उसके बाद y^3 इधर 3 है और इधर कितनी है, 6, तो हमने छोटे वाली लेनी है y^3। और z^1 इधर 1 है और इधर कितनी है, 7, तो हम कितनी ले लेंगे, 1, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बेटा आपका जो है वो आधे आजम यानी कि ए सी एफ का आंसर आ गया, 13x^5, y^3 और z। ये बेटा जो मैंने इधर इसको जो है वो सर्कल किया था, आपने इसको नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था कि किन में से दोनों वैल्यू देनी है, जो तजी करने के बाद आई थी उनमें से बेटा आपने लेनी होती हैं। तो ये जो 6.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, उसका फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसी तरह से सेकंड वाले को करना है। इसमें बेटा 3 वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी तजी करते हैं बेटा 1, 0, 2 की। तो इधर लिखा हमने 1, 0, 2, इसको 2 से करेंगे तो बेटा ये 5 और ये 1। उसके बाद ये किससे होगा बेटा आपके पास, बेटा आगे ये 3 से होगी, 3 से करेंगे तो 3, 1 + 3, इधर 2 आ जाएगा, 3, 7। अब नेक्स्ट आपके पास ये 17 से ही होनी है, तो इसके बेटा जो है ये 1, 0, 2 जो है, इसके बेटा आपके पास क्या क्या फैक्टर आ गए, एक आ गया 2, एक आ गया 3 और एक बेटा आपके पास 17, फिर 7x है, फिर बेटा 7y^2 है और z^1 है, इसको हमने लिख लिया। अब ये जो दूसरी वैल्यू है, इसके भी बेटा आपने फैक्टर बना लेने हैं। ये 85 है, यहाँ पे हमने लिखा 85, इसकी तो z की बेटा, तो ये 5 से होगी 1 और ये 7, फिर 17 से होगी तो 1। इसका मतलब इसके बेटा जो है 85 के जो फैक्टर बनेंगे, तजी होगी वो बेटा 5 और 17 होगी। उसके बाद 7x^2 है, y^1 है और z^1 है। अब जो थर्ड वाली वैल्यू है बेटा, इसकी भी आपने करनी है 187 की।
जब 187 की करेंगे तो बेटा आप किससे हमने करना है 187 को, ये 11 से होगी, 11 को 17 से करें तो 187 होता है, और फिर 17 और ये बेटा 1 आ गया। अब आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यू की जगह आपने क्या लिख दिया, 11 मल्टीप्लाई 17 और उसके साथ बेटा मल्टीप्लाई है x की पावर 1, y की पावर भी 1 और z की पावर 2। अब हमने क्या फाइंड करना था, एच सी एफ यानी के आधे आजम, तो उसमें बेटा क्या आना है, इन तीनों वैल्यूज़ में जो सेम है 17 और ये भी 17, तो 17 आ गया। इधर बेटा 2 है इनमें नहीं है, इधर 3 है इनमें नहीं है, ये 5 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 11 भी नहीं है, इसका मतलब जो तीनों में कॉमन होगा वो हमने नीचे जवाब में लिखना होता है, तो वो लिख लिया। x बेटा इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, मैंने आपको बताया था x बाय z जो होगा उसमें जो सबसे छोटी पावर होगी वो आपने लिखना है, तो ये 2 वाली नहीं आएगी, ये 1 है और ये भी 1 है, तो इसका मतलब x की पावर 1 आ जाएगी। इधर बेटा y, इन तीनों में से y की पावर भी 1 है सबसे छोटी, और z इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 है, तो सिर्फ a की पावर आएगी कॉमन जो है, ठीक हो गया। तो ये बेटा आपका ACF यानी के आधे आजम जो है उसका आंसर आ गया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो था 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट और ये उसका फर्स्ट वाला पार्ट, ये दोनों बेटा हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर किसी बच्चे को किसी पॉइंट से समझ ना आई हो किसी भी चीज़ की तो वो मुझसे पूछ सकता है बेटा, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है नज़र आपको, आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। इसकी PDF फाइल जो है बेटा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।